वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं सर। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे कि कलकत्ता आप गए थे? हाँ हम कलकत्ता से गए, वहाँ दो मैडम था उनको हम सब अपना डॉक्यूमेंट लेके गए थे। हम बोले जो देखिए, तो बोला नहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। तो हम बोले हम लोग इतना दूर से आए हैं, आसनसोल से कलकत्ता गए हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ आसनसोल से कलकत्ता गए हैं और आप एक रजिस्टर कम से कम रखते, हमारा क्या प्रॉब्लम है वो तो लिख लेते हैं। अपना कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं जो हो जाएगा हो जाएगा। सबका खर्च एमसी हट गया है, हम लोगों का कुछ लड़के का नहीं हटा है, तो क्या करें सर। बोल रहे हैं आपका दोस्त लोग का एनसी हट गया है क्या? हाँ हम लोग तीन साथी एक साथ किए थे अब अच्छा लॉगिन है, तो हाँ उसमें से दो साथी का हट गया, एक तो हमारा रह गया। अच्छा। तो वो लोग जो है अपडेट कब किए थे जो जिस एक ही साथ हम लोग एक ही साथ किए थे। और एक ही साथ किए, तो वहाँ आपको रीजनल सेंटर में क्या बोला गया आप? तो रीजनल सेंटर में बोला जो धीरे धीरे हटेगा, तो यहाँ तो मार्कशीट चला है, मार्कशीट की आधा का बढ़ गया। अभी तक हम एमसीए शो कर रहा था। तो हाँ मार्कशीट मार्कशीट तो वेस्ट बंगाल में आ गया है और बिहार में भी आ गया है और उड़ीसा में भी बढ़ गया है और अब झारखंड में भी आने वाला है। तो तो क्या किया जाए सर, हमारा इनरोलमेंट नंबर लीजिएगा सर। एनरोल नंबर आप दे दीजिए। हाँ लिखिए सर, 190। एक मिनट, हाँ बोलिए। 190 190 320 320 40 40 1000 1000 3। थ्री। हाँ डेट ऑफ बर्थ सर, बोलिए। 27/8/1964 1964। अच्छा आप कमेंट किए हैं क्या, मतलब ये वीडियो में? हाँ किए थे एक बार। अच्छा, तो हम देखे थे कि आप कमेंट किए थे इस तरह, तो बोल रहे हैं अंशी जो है आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्या, कि आपका जैसे दोस्त का कि एक ही दिन दोनों सुधर गया है कि मतलब पहले आप उसका सुधरा फिर? हाँ हमारा दो साथी को सुधर गया था। नहीं, कहने का मेरा मतलब है कि आपका जो साथी का सुधर के आया है एनसी, तो एक ही दिन में दोनों का अपडेट हुआ है कि पहले उसका हुआ या ऐसा कुछ? नहीं, दोनों का आगे पीछे हुआ है। हाँ तो आगे पीछे हुआ है ना, तो आपका भी होगा सर थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ा नहीं, तो उन लोगों को तो रिजल्ट फिर आ गया है सर। वो समझ रहे हैं सर, आप उसका रिजल्ट आ गया है, उसका एनसी हट गया इसीलिए उसको मिलेगा अब, और लेकिन हमारा तो अभी तक वह नहीं दिखवा रहा सर। वो बात जो है आपका जो है आपका भी रिजल्ट मिलेगा, आपका एनसी हटेगा तब ना मिलेगा। तो क्या उसके लिए क्या करने होगा सर, हम तो रीजनल ऑफिस से गए सर, इतना दूर से गए हैं। बोल रहे हैं हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, देखिए ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा। जो अभी इम्प्रूवमेंट का अभी एग्जाम फॉर्म भरे हैं, सोचिए वो लोग का भी, वो लोग का भी तो सर्टिफिकेट लेना है ना, आप तो अपडेट कर दिए हैं, तो सर अपडेट सर आपसे हम कि कब जरा आप चेक करके हमको देखिएगा ना सर हमारा। अच्छा हम चेक कर लेंगे, आप हमको दे दिए ना, हम चेक करके बता देंगे। हाँ हाँ जरा आप उनसे पूछिएगा जरा, उसके बाद हमको बोलिएगा। हाँ तो बोल रहे हैं कि आप तो अपडेट भी कर दिए हैं, तो आप मतलब थोड़ा सा वेट कीजिए, क्या कि धीरे धीरे हो रहा है काम, हो रहा है सर धीरे। हम बताइए 29/2/2019 को कर दिए थे। वो समझ रहे हैं सर कि अभी डीएलएड पर बच्चों को जो बहुत परेशान है, हम समझ रहे और हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी जो निकला ना सर, उसके साथ आप पूरा डॉक्यूमेंट ले करके दो बार स्पीड पोस्ट किए, दो बार। सर आज स्पीड पोस्ट करने और मेल करने से कुछ फायदा नहीं है, वहाँ कोई देखता नहीं है, मेल आप जो करते हैं ना हाँ आप। मैं तो एक बार मेल भी किए थे, तो उसका मैं बोला था प्रोसेस में है, तो हाँ आज हो गया 25 दिन। मतलब मेल किया हुआ 25 दिन हो गया।
उन्हें उधर से एंसर किया हुआ 25 दिन होगी। अच्छा 25 दिन। अब मेल का रिप्लाई आया था आपका? हाँ हाँ वो बोला कि उसका में लिखा हुआ था प्रोसेस में है। अच्छा प्रोसेस में है, लेकिन सर सुधार रहा है, ये बात तो सही है कि सुधार रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप जरा सुन अपना कोशिश करिए ना सर, आप लोग का आप करिएगा एक बार जरा सुन वहाँ पर नोट करिएगा तो जरूर हम हो जाएगा। ठीक है सर, हम आपका ले लिए ना इनरोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, हम चेक करके देख लेते हैं। हाँ तो अच्छी सर, हम कब लोग फोन करेंगे सर आपको? कल सवेरे कीजिएगा ना, मॉर्निंग में कीजिएगा। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक थैंक यू सर, थैंक यू। उसका में भी पास है। अच्छा उसका बाद फिर यहाँ से कंप्यूटर से लॉग इन करके भेज दिए वहाँ पर बोला ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड एंड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, है? उसका बाद ईमेल किए, उसका बाद फिर दो हार्ड कॉपी को ले जा सब मार्कशीट सब दे करके स्पीड पोस्ट किए दो बार, है? फिर भी एनसी हटा नहीं। कहाँ से आप? अभी तो कहाँ से बोल रहे हैं? अब हम वेस्ट बंगाल से बोले हैं, बोल रहे हैं। आप कलकत्ता आप, से क्या? हाँ आसनसोल से हम बोल रहे हैं, आसनसोल। अच्छा तो आपको कलकत्ता में मतलब क्या बोला गया कि आपका वेट कीजिए ना? हम कलकत्ता रीजनल ऑफिस गए हैं, वहाँ कोई चीज डॉक्यूमेंट नहीं लिया, बोलता है कि धीरे धीरे एनसी हटेगा, यहाँ रिजल्ट भी आ गया है, तो फिर नहीं है, अभी तक वहाँ पर एनसी ही लिखा हुआ है। सर आपके ऐसा आपके अगल बगल में ऐसा भी कोई है कैंडिडेट जो एनसी लगा हुआ है अभी तक? हाँ है। तो बोल रहे हैं सर धीरे धीरे हटेगा, आप लोग मतलब हड़बड़ाइए नहीं और घबराइए नहीं, ठीक है? थोड़ा सा धीरज बना के रखिए सबका। अच्छा और हमारा एक साथी है वो कॉमर्स लेके पढ़ा था, हाँ उसका बाद उसका नंबर कम था तो वो आर्ट्स से भरा, उसका एनसी हट गया, उसको लिख दिया कि नहीं एनसी हट गया। पढ़ाया कॉमर्स से कम ने उसका टोटल में उसका शायद 50% या 45 होगा, इसलिए हट गया वो। नहीं नहीं वो ओके अपग्रेडिंग किया आर्ट्स से कॉमर्स का स्टूडेंट का आर्ट्स से किया अपग्रेडिंग, उसके बाद भेजा तो उसका भी हट गया। सर आपका भी हट जाएगा सर, डिमोटिव हट जाएगा सर आप? हाँ सर देखिए सर, आप बोले थे हम बोले थे जो सर जरा देखिएगा जरा, क्या कि हम लोग वहाँ जाते हैं तो कोई बातें नहीं करता सर। सर थोड़े मतलब बिजी होने के कारण आप कल रात को इनरोल नंबर डेट ऑफ दिए ना, देख नहीं पाए हम, ठीक है? आज हम अच्छा और देखिए अब 5 साल बचा हुआ है सर, अब यहाँ हमारे 2 बच्चियाँ हैं, अब उसको ले करके उसको स्कूल छोड़ना है, ठीक करना ड्यूटी करना, हमारा वाइज जो है चल नहीं सकती है, फिर नहीं सकती, हम फेलूर तक लगी है लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। अब जाएंगे ड्यूटी करके तो फिर खाना बनाना, कपड़ा बच्चों को खींचना, बड़ी असमर्थ है सर, बहुत समस्या सर। सर हमको तो ये नहीं लगता जो शादी करके क्या लाभ होता, कभी कभी तो मन लगता सर सुसाइड कर। सर ऐसा मतलब ऐसा सब टीचर बहुत सारे ऐसा टीचर है फोन करके बोलता है नहीं, अब क्या करें, जो रूल है मतलब 45% हो तो करना ही पड़ेगा। मैं तो हम तो किए सर, हम 66% आ गया सर, फिर भी हम दे दिए सब चीज किए इस बुढ़ापा में। हाँ तो, सर आप हम समझ रहे हैं कि आपका जो है उम्र 57 है ना? हाँ 66% है सर, 330 नंबर लाए सर। नहीं सर उसमें डीएलएड में बोल रहे हैं, आपका 12th में कितना आया है? 12th में हम 330 लाए और डीएलएड में तो 1055 है। तब सर आप हट जाएगा थोड़ा सा वेट कीजिए, किसी का हट जा रहा है किसी का बाद में, इसीलिए थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, आप लोग का फाइनल सर्टिफिकेट भी आप पट रहा है। अच्छा आप जो देखिएगा सर, नहीं होगा तो हम फिर 2 दिन बात करेंगे सर। हाँ कॉल करते रहिए ना बाद में, क्या है हम आपको चेक करके बता देंगे, ठीक है? हाँ सर आप बतला दीजिए, बड़ी कृपा होगा सर, ताकि सर इतना दूर से समय निकाल के गए भी लेकिन कोई सुनवाई नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं, खाली 2 गो मैडम बैठी हुई है, हम बोले हम लोग उतना दूर से आए हैं, क्या प्रॉब्लम है, कम से कम एक रजिस्टर में लिख लीजिए अनाउंसमेंट नंबर के साथ, सेहो नहीं लिखा, ना कुछ डॉक्यूमेंट लिया, हम लेटर वेटर सब दे रहे थे सर। वैसा हाल हर रीजनल सेंटर का है, मतलब आप रीजनल सेंटर जा रहे हैं तो वहाँ उल्टा बता रहा है कि आपका कोई समाधान नहीं निकलेगा, इस तरह का टीचर लोग।
ये ना सर, सब है ना, हम लोग अंधकार में क्या किया जाए। हाँ तो हो जाएगा सर, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए जरा सुन, आप देखिएगा सर, ठीक, बहुत कृपा होगा सर। हाँ हम देख देंगे, थोड़ा सा बिजी होने के कारण आपका नहीं कहा है कि इसके बाद यहाँ पे छठा पे कमीशन होगा, कुछ पैसा पड़ेगा तो हमारा तो बच्चों का अच्छा घर मिलेगा सर। हाँ वो तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग को वहाँ पे स्कूल पढ़ने वाला है। हाँ तो इसीलिए सर देखिएगा सर। तो आप गवर्नमेंट जॉब में है क्या? हाँ सर स्कूल में है। हाँ गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में 27 साल हो गया सर नौकरी का। अच्छा प्राइमरी की इसमें है? प्राइमरी में सर। अच्छा ठीक है सर, अब हम थोड़ी सा